हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमारी और किचन अन्नपूर्णा में आप सभी को स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड छोले। इसके लिए यहाँ पे छोले हमने लिए हैं आधा कप से थोड़ा ज़्यादा। ये सूखा छोला है, हम उसको भिगो देंगे 6 to 8 आवर्स। मैंने 8 घंटा भिगोने के बाद ये इस तरह का फूल गया और डबल हो गया साइज में, और 1 कप से थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा लिया था, इसलिए 1 कप से थोड़ा ज़्यादा हो गया। और उसको हम 1 कप पानी में या 1.5 कप पानी में बॉईल करेंगे। इतना छोले बॉईल होने के बाद इतना ही ऐसे ही हो गया, मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया। और इसमें नमक भी डाल दिया 1 टीस्पून। तो उसको बनाने के लिए प्रोसेस अब स्टार्ट करेंगे। पहले उसको हम छान लेते हैं, इसको छान लेंगे। ये पूरा छान लिया है इस तरह, ये पानी है थोड़ा, उसको देखिए ये बॉईल होने के बाद इस तरह हो जाता है। आधा चम्मच डाल रहे हो लहसुन का पेस्ट, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो स्किप कर दीजिए। और 2 टेबलस्पून ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर, मैदा 1 टेबलस्पून लिया है यहाँ। उसको ऐसे धीरे धीरे करके कोट बनाएंगे उसका, उसके ऊपर कोट लगा देंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया है मैदा और 2 टेबलस्पून लिया है कॉर्नफ्लावर और 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब ये कोट लग गया और उसको ट्रांसफर करेंगे दूसरा प्लेट को, क्योंकि ये जब तेल में आएगा ना वो जल जाएगा। और उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और उसको मिला लेंगे। छोले में नमक डाले थे ना बॉईल करने के टाइम में, और इसलिए ऊपर नहीं डालते हैं। और थोड़ा व्हाइट दिखने के लिए 1.5 टीस्पून टेबलस्पून ले रहे हैं कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून ले रहे हैं मैदा, फिर उसको मिलाएंगे। थोड़ा सा पानी छिड़क करेंगे उसके ऊपर, 1 टेबलस्पून पानी छिड़का हमने, फिर उसको मिला लेंगे। पानी डालने से उसका कोट अच्छी तरह से बैठ जाता है, उसके अंदर अच्छी तरह से कोट रह जाता है। फिर हम पहला वाला थाली को ट्रांसफर कर देंगे। ये खाने में बहुत कुरकुरा और लजेदार है। एक्चुअली ये हम बना रहे हैं चटपटा या इमली वाला क्रिस्पी छोले फ्राइड। तो चलिए गैस पर बिठाते हैं कढ़ाई। यहाँ पर हैवी बटन वाला कढ़ाई लिया है, ये डीप फ्राई है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेल लेंगे। गैस मीडियम फ्लेम पे रखे हैं हम, इसको ध्यान से डालना पड़ेगा नहीं तो फूट जाएगा, कभी थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अब मूंगफली या कर्न से ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे छोले बनाया इस तरह आप कर्न से या मूंगफली से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा ज़्यादा लिया, आप चाहे तो 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं या 2 कप ले सकते हैं, इसके हिसाब से आप सब कुछ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सीटी लगाया था मेरे प्रेशर कुकर पर, आपका प्रेशर कुकर अगर जल्दी हो जाता तो आप 2 सीटी लगाइए, नहीं तो थोड़ा लेट, एक एक प्रेशर कुकर 2 सीटी से ज़्यादा लगता है, तो आप इसी हिसाब से आप कुकर में विसल दीजिए। हो जाने के बाद ये थोड़ा ऊपर तैरने लगता है, जब तैरने लगेगा तो समझेंगे कि ये हो गया, हमारा छोले हो गया। और 30 सेकेंड उसको ऐसे करेंगे और निकाल देते हैं, 30 मिनट डाल देंगे। फिर सेकेंड बैच हम डालेंगे, एक साथ ज़्यादा ना डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। उसको इस छन्नी में रख देंगे क्योंकि उसका जो स्टीम है वो और ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो इसलिए उसको ऐसे ही रख देंगे, इवापोरेट नहीं होगा। और नीचे से गैस थोड़ा लो टू मीडियम रखा है, यहाँ पर फास्ट बैच था इसलिए मीडियम पे रखे थे, अभी सेकंड बैच है, तेल भी गर्म हो गया काफ़ी, तो इसलिए लो टू मीडियम रख रहे हैं। नीचे से अच्छी तरह से हवा आएगा क्योंकि छन्नी में है। अब तो सॉस डाल के बनाते हैं, आज हम इमली डाल के, इमली के साथ सॉस भी डालेंगे बनाएंगे, अब घर पर जरूर ट्राई करना। इतने में आप खरीदोगे तो वजह से 50 से 80 रुपये लेता है। दोस्तों अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी करना मत भूलिए। और ये मैं बनाने के बाद आप देखिए
और मुझे कमेंट करके बोलिए। मैंने खाली फर्स्ट बैच जो डाला उसको मीडियम फ्लेम पे रखी थी क्योंकि कढ़ाई हमारा इतना गर्म नहीं हुआ था। जब सेकंड बैच डाला उसके बाद हम लो मीडियम में कर रही हूँ, लो टू मीडियम। यहाँ पर मेरा इतने की मैं लगा 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2.5 टेबलस्पून लगा मैदा। नमक मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया जब बॉईल कर रही थी चना, उसके बाद नहीं डाला। देखिए दोस्तों ये किस तरह क्रिस्पी बना है। अब कढ़ाई को शिफ्ट कर लेते हैं और पैन बिठाते हैं। हम पैन बिठाते हैं, क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज़ आ रहा है, ये बनी है भी क्रिस्पी क्रिस्पी। 1 टेबलस्पून तेल मैंने डाल दिया है, बारीक से कटी हुई प्याज 3/4 कप। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन यहाँ पर डाला है 1/4 कप, प्याज 3/4 कप। थोड़ा चलाएंगे उसको, गैस मीडियम फ्लेम पे है, लो कर देते हैं, लो से ही सारे बनाएंगे। और 3/4 कप लिया है कैप्सिकम, सबको तलेंगे। गैस लो मीडियम पर है, उसको लो मीडियम पर ही अब चलाते रहेगा। तेल 1 टेबलस्पून डाला है, अब मीडियम फ्लेम कर देते हैं। अब डालेंगे उसमें इमली का पेस्ट, ये वाला मैंने बाजार का यूज कर रही हूँ, आप घर पे यूज कीजिए। थोड़ा लिक्विड और मटर में टमाटर डाल दीजिए और उसका जूस निकाल के वो डालिए। मैंने यहाँ पर सिराचा चिली गार्लिक सॉस लिया, आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसके बदले आप टमाटर केचप या टमाटर सॉस डालिए, मैंने टमाटर सॉस भी डाल रही हूँ। सिराचा मैंने 1/2 टीस्पून डाला, ये टमाटो सॉस है, टमाटो चिली सॉस है, उसमें से 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। टमाटर केचप डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, थोड़ी काली मिर्च डाल रही हूँ 1 पिंच, हरा ग्रीन चिली कटे हुए हैं 1, ब्लैक सॉल्ट थोड़ा डालेंगे 1 पिंच। मैंने ब्लैक पेपर डाला है बाजार का, आप घर पे भी बना के कूट के उसको डाल सकते हैं। और सोया सॉस डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, उसको डाल लेते हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ओनली टमाटर केचप और चिली गार्लिक सॉस से बना सकते हैं उसको। ये मैंने 3 लोगों के लिए बनाया, 3 पर्सन्स के लिए। अब बनाने के बाद ये 2 घंटा तक ऐसे ही रह जाता है, क्रिस्पी क्रिस्पी रहेगा करीब 2 घंटा। उसको पानी नहीं देना, कुछ नहीं देना, ऐसे ही उसको ड्राई फ्राई करना। उसमें मैं डाल रही हूँ आम अदरक, मिलते हैं ना वजन में, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, ये थोड़ा टेस्ट बढ़ाता है। अब गैस स्विच ऑफ कर देते हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट लाता है, किसी को पसंद ना आ तो उसको स्किप कर दे, ना डाले। अब उसको साथ करेंगे दोस्तों। इसको बनाने में टोटल 15 से 20 मिनट लगा और मैं अपने तरीके से उसको सजाया है, आप अपने तरीके से भी सजाइए। प्याज यहाँ पर लिया है 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा, लहसुन 1/4 कप और कैप्सिकम लिया है 3/4 कप। आप उसको भी घर पे बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।